आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगी, पर इसकी कला रहेगी हमेशा, और इसके जरिए मैं भी। कला के बारे में आप हमें मत समझाइए, हम जानते हैं आप जैसी औरतों की कला। इस आदमी ने एक मुझ जैसी औरत को देवी बना दिया और आपने उसे वेश्या। मैं दोषी हूं योर ऑनर, मैं चित्र बनाने का दोषी हूं, मैं देवी देवताओं के चित्र बनाने का भी दोषी हूं योर ऑनर, और एक साधारण स्त्री को, इस स्त्री को अपनी प्रेरणा बनाने का दोषी भी हूं, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे एक देवी दिखाई दी। और क्या मैं पूछ सकता हूं योर ऑनर कि ये कौन लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? कौन है ये लोग जो मेरी कला के ऊपर निर्णय लेने के लिए बैठे, मेरे जीवन पे? क्योंकि मेरी कला ही मेरा जीवन है। मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी परंपरा पे, और वो इतनी नाजुक नहीं है कि एक जरा से नंगे बदन को देखकर टूट जाए। मैंने ये विशाल देश घूमा है योर ऑनर, और मैंने ये कमाल के मंदिर देखे, अजंता अलोरा, कोणार्क, खजुराहो, और उनमें सजी इन मूर्तियों को देखकर मुझे कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई, कोई शर्म नहीं आई, बल्कि वो इतनी सुंदर थी कि मैं मुक्त हो गया। ये कामसूत्र का देश है जो हमें अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, अपनी कामना का, अपनी मानवता का उत्सव बनाना सिखाता है, और मैं तो सिर्फ एक मानव हूं। ये मेरी कहानियां हैं, इन्हीं कहानियों पे मैं पला बड़ा। ये रामायण और महाभारत की कहानियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। और इनमें से एक बात उभर कर आती है, वो है छली हुई स्त्री, जो छली गई कभी अपने पति से, कभी अपने प्रेमी से, और कभी स्वयं देवताओं से, और हम सब इसके दोषी हैं, सब के सब। मैं जानता हूं कि मैं हूं,
बहुत बड़ा दोषी। सच तो ये है योर ऑनर कि मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूं जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको छूना चाहता है, जो हमेशा इस डर में जीता है कि कहीं जो भी मुझ में है वो पूरा उभर के नहीं आया तो कहीं बदलता जमाना मुझे पीछे छोड़ गया तो। मेरा मानना है कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कला से सुंदर होना, और अगर आप कला को बांधोगे तो वो सब नष्ट हो जाएगा जो जीवन में सुंदर है या जिसका कोई अर्थ है, बंद के रह जाएंगे हम सब। और अगर ये मानना एक गुनाह है सनसनी खेज मुकदमे के दौरान कुछ अहम सवालात उभर कर आए हैं। क्या ख्यालात पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? क्या कला को कैद किया जा सकता है? और क्या कला, विज्ञान और धर्म तीनों साथ साथ एक मुकम्मल मुस्तकबिल की ओर बढ़ सकते हैं? इस केस के तमाम सबूत और इसके अलग अलग रंगों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम राजा रवि वर्मा को बाइज्जत बरी करती है।
काश मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना में जी सकती, पर मैं एक औरत हूं, कोई देवी नहीं। तुम्हारे चित्रों की दुनिया में जीने के बाद असली दुनिया बेमानी लगती है। मुझसे ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। मुझे विश्वास है कि समय तुम्हें सही साबित करेगा, पर क्योंकि हमने एक दूसरे को अपने असली रूप में देखा है, उर्वशी की तरह अब मुझे भी जाना होगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आए अपनी आंखें मूंद लेना, मैं आ जाऊंगी। रवि, दुनिया से कब तक छुपते रहोगे? पता नहीं, अब कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों अपने आप को सताते रहे हो इस तरह? मैं कौन होता हूं ये तो देवताओं का खेल है। तो शायद तुम्हें देवी देवताओं की तस्वीरें बनाना छोड़ देना चाहिए, असली लोगों की पेंटिंग्स बनाओ। उनकी असली दुख दर्द, असली हंसी खुशी, असली जिंदगी। Masterpiece by Rajar Ravi Verma. And my starting bid is... रंग रसिया हो, रंग रसिया, रंग रसिया हो, रंग रसिया। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। सारे रंग तेरे रंग है, गुलाबी सांझ का ढलता हुआ आंचल, दुशाला ओढ़े काले मेघ है, ये तेरी आंख से छलके है इसी पर। लाल पीले हरे चंपई सुरमई,
रंग दे रे रंग दे। नीली नीली नदिया डोले लहराए बलखाए बोले है जो किया कोई मलंग है जिसने रंग रंग डारे रंग रंग रसिया चांदी चांदी रसिया ऐसा रंगीला लेके घूमे अपने साथ घूंगर घूंगर तेरे केस जाने कौन बनाया बेस चटा में लेके सूरज चांद तन पे मने समय की राह चला है कौन दिशा की ओर उड़ा